इंजन में कुछ चेंजेस करें टाटा ने, डुअल बैरल आपको सेटअप मिल जाता है, इसको उठा के यार ORVM में लगा दो, बहुत बढ़िया लगेगा। मतलब कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है, आपको दो विंग्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल भी आपको XT वेरिएंट से ही ऑफर हो रहा। तो और देखिए यहाँ पे दिख रही होगी 23.3, मतलब पूरे लिमिट इसने क्रॉस कर दी है एकदम। 23 का माइलेज यार एक्सपेक्ट किया था क्या आपने इतना? कितना तो बड़ा ग्लव बॉक्स है यार। अब सीट यार काफी आपको वाइड मिलने वाली है, तो पावर और परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलने वाली है इस पेट्रोल इंजन के साथ में आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन घुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा अल्ट्रोस। अब ये जो है टाटा अल्ट्रोस का पर्टिकुलर XT वेरिएंट है यार, फीचर्स इतने बढ़िया इसमें आपको मिल जाते हैं और साथ में जो सेफ्टी मिलती है ना इसमें, वो तो यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मिलने वाली है आपको, क्योंकि 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है इसको ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट से। साथ में यार जो न्यू अपडेट्स आए हैं ना BS6 फेज 2 के, उसके बाद में इंजन में कुछ चेंजेस करें टाटा ने, तो यार परफॉर्मेंस और जो माइलेज है वो भी अब काफ़ी तगड़ा मिलने वाला है। तो चलिए आज सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपका टाटा अल्ट्रोस लेने का प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर, वॉक अराउंड और ऑन रोड प्राइस, सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टार्ट करेंगे वॉक अराउंड से, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्राइसिंग। तो एक्स शोरूम प्राइस की बात करें टाटा अल्ट्रोस XT वेरिएंट की, तो ये 7,99,000 में आपको एक्स शोरूम आ जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 9,20,000 में ऑन रोड आ जाती है, और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है, और इस वक्त हमें सुनील ऑटोमोटिव टाटा शोरूम बालाघाट के जो न्यू शोरूम है उसमें, और इनकी जो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। चलिए वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं, एकदम वन बाय वन सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा। अब देखिए यार रोड प्रेजेंस कितना बढ़िया लगता है टाटा अल्ट्रोस का, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है यार, और प्रीमियमनेस काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें आपको मिलने वाली है। अब इसके अगर ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 1755 mm की इसकी ओवरऑल विड्थ मिल जाती है। सेंटर में अगर देखें तो टाटा का लोगो मिल जाता है। क्रोम फिनिश में आपको देखिए ये पूरी एक स्ट्रिप मिल जाती है, और हनीकॉम स्टाइल में आपको ग्रिल मिल जाती है। अब हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो देखिए यार हेडलैम्प्स का जो सेटअप है काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है, डुअल बैरल आपको सेटअप मिल जाता है। अब देखिए लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए, और छोटा सा आपको मिल जाता है टर्न सिग्नल्स। नीचे हम आते हैं तो आपको फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं, और ये देखिए LED DRLs भी आपको मिल जाते हैं XT वेरिएंट में। तो ओवरऑल कुछ ऐसे लुक्स आते हैं फ्रंट प्रोफाइल से टाटा अल्ट्रोस XT वेरिएंट के। अब साइड प्रोफाइल में हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे इसके जो व्हील्स हैं, इसके अगर सेक्शन की हम बात करें तो आपको इसमें 185/60R16, मतलब 16 इंच के इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, स्टील रिम्स है, लेकिन आपको यहाँ पे व्हील कवर्स भी मिल जाते हैं। अब फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक, तो ये इसके ब्रेकिंग का सेटअप है। अब देखिए यार फेंडर में आपको मिल जाता है इसका टर्न सिग्नल्स, तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो अल्ट्रोस में इम्प्रूव करनी है मुझे ऐसा लगता है। इसको उठा के यार ORVM में लगा दो, बहुत बढ़िया लगेगा। टॉप मॉडल में भी यही आपको देखने को मिल जाता है। अब ORVM की अगर बात करें तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। अब ये जो ORVM है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। अब ए पिलर और बी पिलर देखें तो आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक आउट किया हुआ है। डोर हैंडल्स देखें तो आपको बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिल रहा है रिक्वेस्ट सेंसर, मतलब कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। इसकी जो चाबी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कीलेस एंट्री मिल रही है, मतलब आपको रिमोट की मिलने वाली है, बिल्कुल दोनों जो है रिमोट की मिल रही है। अब इसमें फंक्शंस की बात करें तो लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। पीछे टाटा का लोगो मिल जाता है, तो चलिए इसको मैं रख लेता हूँ। अब साइड में अगर देखें तो यार ये देखिए कि जो बॉर्डर लाइन है ना काफ़ी बढ़िया ये देखने में लगती है। इसकी जो शोल्डर लाइन में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का टच है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। अब साइड में ओवरऑल सारी चीज़ें हो गई है। अब डायमेंशंस की अगर बात करें टाटा अल्ट्रोस की तो 3990 mm इसकी ओवरऑल लेंथ है। विड्थ मैंने आपको बता दी। व्हील बेस की अगर बात करें तो 2501 mm की इसकी ओवरऑल व्हील बेस है। इंटीरियर स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, वो भी अभी हम अंदर जाके चेक करने वाले हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यार 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। काफ़ी कैपेबल ये कार है, कोई इशू नहीं होने वाला आपको। चलिए अब साइड प्रोफाइल कम्प्लीट होती है। अब रियर प्रोफाइल के साइड में हम जैसे ही आते हैं तो देखिए टॉप साइड में आपको मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ये देखिए आपको दो विंग्स मिल जाते हैं जो इसके स्टाइलिंग है ना उसमें काफ़ी बढ़िया ये देखने में लगते हैं। अब देखिए वोकल फॉर लोकल, इस बात में सब्सक्राइब तो बनता है बिल्कुल। अब सेंटर में अगर देखें तो आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, अल्ट्रोस की बैजिंग मिल जाती है, और नीचे आपको मिल जाता है रियर व्यू कैमरा। बिल्कुल इसमें आपको रियर व्यू कैमरा भी मिलेगा, और दो मिल जाएंगे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर,
और नीचे अगर देखें तो आपको दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब बूट स्पेस ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। अब पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाता है XT में। अब बूट स्पेस की अगर बात करें तो यार 345 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस है और काफ़ी डीप भी दिया हुआ है। अब साइड में अगर देखें तो आपको एक हुक इधर मिल जाता है और एक मिल जाता है यहाँ पे, और एक बूट लाइट भी यार नीचे दी हुई है। और साइड में अगर देखें तो आपको मिल जाता है टायर मोबिलिटी किट। अब इसके नीचे अगर देखें तो आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील। अब इसके सेक्शन की अगर बात करें तो यार ये आपको मिल जाता है 165/80 R14 इंच का। इसमें आपको नॉर्मल स्टील रिम मिल जाता है। यार स्पेस काफ़ी बढ़िया इसमें मिलने वाला है आपको, काफ़ी बड़े बड़े बैग्स जो है ना अपने इसमें आने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्लैडिंग मिल जाती है और यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। तो ओवरऑल रियर प्रोफाइल से कुछ ऐसे लुक्स आते हैं टाटा अल्ट्रॉस के XT वेरिएंट के। अब साइड प्रोफाइल में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, फ्यूल फिलर कैप। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। माइलेज की अगर बात करें तो यार इसमें 19 से 20 KMPL का ARI के साथ में क्लेम्ड माइलेज मिल जाता है। पहले से जो है माइलेज अब इम्प्रूव हो गया है न्यू इंजन आने के बाद में, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और रिफाइनमेंट जो है ना वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अब एक्सटीरियर की सारी चीज़ें हमने देख ली है, अब चलते हैं इंटीरियर में और देख लेते हैं वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर हो जाती है। तो डोर पैनल यार बहुत हैवी आपको मिलने वाले हैं क्योंकि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी मिलने वाली है। अल्फा प्लेटफॉर्म में बेस्ड है, मतलब इसमें आपको 90 डिग्री में जो डोर्स है ओपन होने वाले हैं। डोर पैनल की बात करें तो डुअल टोन में दिया हुआ है, पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं। अब ORVM जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल है, तो यहाँ से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे बॉटल होल्डर, थोड़ा स्पेस, और देखिए यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है और स्पीकर का ग्रिल। अब स्पीकर इसमें आपको टोटल 4 मिल जाते हैं और 2 ट्विटर्स, तो ये इसके साउंड का सेटअप है। अब देखिए सीट्स की अगर बात करें तो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ आपको नहीं मिलता, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, बट कंफर्ट यार काफ़ी बढ़िया इसमें आपको मिलने वाला, काफ़ी वाइड सीट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब अंदर हम बैठ के देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं आपको XT वेरिएंट में टाटा अल्ट्रॉस के अंदर। तो चलिए बैठ के हम देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस वेरिएंट में। तो सीट को कर लेता हूँ मैं थोड़ा पीछे जिससे सारा व्यू एकदम हो जाएगा क्लियर। तो सबसे पहले इस TT को भी बंद हम कर देते हैं। और स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करें तो देखिए डी कट शेप में आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है। अब देखिए अगर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे टेलीफोनिक के और आपके जो मल्टीमीडिया है वो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और राइट साइड में मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल्स। मतलब यार क्रूज कंट्रोल भी आपको XT वेरिएंट से ही ऑफर हो रहा, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। लेफ्ट साइड में अगर देखें तो वाइपर के कंट्रोल्स, और राइट साइड में अगर देखें तो आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प है मैंने आपको जो दिखाया। अब राइट साइड में अगर इधर देखें तो स्टार्ट स्टॉप का बटन, क्योंकि यार रिमोट की मिल रही है अपने को, फॉग लैम्प का बटन और आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन। नीचे देखें तो ABC पैटर्न में 3 पेडल्स और एक डेड पेडल भी मिल जाता है। नीचे आपको कलर्स दिख रहे होंगे, ये है इसकी एम्बिएंट लाइटिंग, तो ये इधर मिल रही है आपको, इस साइड मिल रही है, और देखिए यहाँ पे दिख रही होगी तो ये यहाँ पे लगी हुई है, तो एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल रही है यार, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब सीट के कंफर्ट की बात करें तो देखिए यार अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, सीट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी वाइड सीट है, मतलब कंफर्टेबल होने वाली है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो वो जो है यहाँ से मैं जैसी बटन क्लिक करूँगा तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाएगा, तो देखिए कुछ ऐसा वेलकम करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब डिजिटल प्लस एनालॉग, मतलब जो आप पसंद करते हैं वही आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, सेंटर में MID और राइट साइड में स्पीडोमीटर मिल रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, फ्यूल गेज यहाँ पे दिया हुआ है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी यहाँ दिखा रहा है। अब इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए टेम्परेचर, अब ये देखिए ट्रिप दिखा रहा है, और यार एवरेज तो देखिए बिल्कुल मज़ेदार 23.3, मतलब पूरे लिमिट इसने क्रॉस कर दी है, एकदम ज़बरदस्त इसने परफॉर्म किया। 23 का माइलेज यार एक्सपेक्ट किया था क्या आपने इतना? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको इतना एवरेज मिल रहा है या फिर आपको कितना एवरेज मिल रहा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गया, तो इतना कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। अब सेंटर कंसोल की बात करें, डैशबोर्ड की बात करें, तो देखिए यहाँ पे आपको फ्लोटिंग स्टाइल में 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, और ये है हारमन। देखते ही बिल्कुल खुश हो जाते हैं क्योंकि क्वालिटी जो है ना एकदम टॉप क्लास की मिलने वाली है, हर चीज़ में टॉप क्लास क्वालिटी मिलेगी यार अल्ट्रॉस में, ठीक है। यहाँ अल्ट्रॉस की बैजिंग मिल जाती है, अच्छा ये रह गया था ना। अब यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है, बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अब नीचे हम आते हैं तो आप देखिए आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं, हैजार्ड का बटन, अल्ट्रॉस की बैजिंग मिल जाती है। उसके नीचे हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है XT वेरिएंट में, उसके नीचे USB कनेक्टिविटी और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है,
अब यार डैशबोर्ड का जो लेआउट है ना देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अब ये जो फिनिश है ना काफी प्रीमियम ही लग रही है क्योंकि प्रीमियम हैचबैक है यार, छोटे छोटे जो टच है ना देखने में काफी बढ़िया लगते हैं। अब ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में दिया और कितना तो बड़ा ग्लव बॉक्स है यार, डेडिकेटेड आपको लाइट भी मिल जाती है तो ये काफी बढ़िया चीज है, ऑर्गेनाइजर के साथ में है ये, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, अब नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ देखिए आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। अब रिवर्स कैमरे की अगर क्वालिटी की बात करें तो देखिए क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है और ये जो है डायनामिक गाइडलाइंस के साथ में बिल्कुल। अब ये हो गया, अब पीछे अगर हम आते हैं तो देखिए इको और सिटी मोड का बटन मिल जाता है, यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाता है और हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम टिप के साथ में, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, तो इतना कुछ मिल जाता है फ्रंट में। और यहाँ अगर देखें तो आपको टिकट होल्डर, सेंटर में IRVM जो डे एंड नाइट आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, कैबिन लाइट, माइक, और लेफ्ट साइड में मिल जाता है वैनिटी मिरर, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड, और मिल जाता है ABS EBD, और जो न्यू सेफ्टी फीचर्स है ना BS6 Phase 2 के वो भी आपको इसमें मिलने वाले हैं भर भर के। मतलब सेफ्टी तो एकदम हो गई टॉप क्लास और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिल ही रही है यार। तो मुझे लगता है फ्रंट की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, अब सीट को मैं कर लेता हूँ। अच्छा हाँ है यार, ये कैसे भूल गया मैं, ये जो स्टेयरिंग है टिल्ट दिया हुआ है ऑप्शन, टेलीस्कोपिक ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता। तो चलिए सीट को मैं कर लेता हूँ अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट, तो ये हो गई सीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट। और चलते हैं रियर सीट में और देख लेते हैं वहाँ पे आपको कितना स्पेस मिल जाता है और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, अब चलते हैं रियर सीट में और देख लेते हैं वहाँ पे आपको कितना कम्फर्ट मिल जाता है। तो चलिए हाँ, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब रियर सीट में ये देखिए, यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। अब डोर पैनल की अगर बात करें तो देखिए पावर विंडो का बटन, स्पीकर का ग्रिल, बॉटल होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। अब सीट यार काफ़ी आपको वाइड मिलने वाली है तो स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं फिक्स्ड। अब अंदर हम बैठ के देख लेते हैं कितना स्पेस आपको मिल जाता है रियर सीट में। यार बैठते ही ना बहुत ज़बरदस्त यार कम्फर्ट दिया हुआ है रियर सीट में। अब देखिए अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। लेग रूम की अगर बात करें तो मेरी जो हाइट है 5'9" है और मेरे हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया मुझे स्पेस मिल रहा है। अब देखिए कितना बढ़िया स्पेस यहाँ पे दिख रहा है। नीचे अगर देखें तो आपको फुट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे अगर हम्प की बात करें तो वो भी एकदम माइनर सा दिया है और यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाता है। सीट काफ़ी वाइड है, 3 पैसेंजर इजीली बैठ के इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जो लाइट है आपको फ्रंट में मिल जाती है, रियर में इतना कुछ आपको मिल जाता है। अब रियर सीट से फ्रंट डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है टाटा अल्ट्रॉस का XT वेरियंट का। अब ये सारी चीज़ें हो गई, मुझे लगता है सारी चीज़ें अपन ने देख ली इंटीरियर की। अब चलते हैं इसका जो इंजन बे है ना वो देख लेते हैं कि वहाँ पे जो चेंजेस है वो मेजर है। अब वहाँ पे क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर और देख लेते हैं इसका इंजन बे। उसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाती है, इसको आप जैसे पुल करेंगे तो इंजन बे ओपन हो जाएगा। ये है टाटा अल्ट्रॉस का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन सीरीज का पेट्रोल इंजन। अब यार लेआउट जो है ना चेंज हो गया है पहले से, क्योंकि अब BS6 Phase 2 के जो नॉर्म्स आ गए उसके बाद लेआउट चेंज हो गया है। रिफाइनमेंट पहले से इम्प्रूव हो गया है और जो इकोनॉमी है ना फ्यूल इकोनॉमी वो भी अब पहले से बढ़ गई है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब पावर की अगर बात करें तो लगभग इसमें 85 से 86 BHP का आपको पावर मिल जाता है और साथ में 113 Nm का टॉर्क, तो पावर और परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है इस पेट्रोल इंजन के साथ में आपको। और साथ में जो माइलेज है ना यार वो भी पहले से इम्प्रूव हो गया है, लगभग इसमें 19 से 20 kmpl का ARAI के साथ में क्लेम माइलेज मिल जाता है, तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ABS EBD की यहाँ यूनिट मिल जाती है, 3 सिलेंडर इंजन है, एक्स्ट्रा इंसुलेशन भी आपको दे रही है कंपनी, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो चलिए इतना कुछ आपको मिल जाता है इसके लेआउट में। तो देखा आपने टाटा अल्ट्रॉस का जो XT वेरिएंट है कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कितने बढ़िया फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, और जो न्यू इस पे चेंजेस आए हैं इंजन लेआउट में तो वो तो यार काफ़ी बढ़िया इसमें आपको मिलने वाला है। लेआउट चेंज होने के बाद में रिफाइनमेंट पहले से इम्प्रूव हो गया, साथ में जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी अब बढ़ गई है, तो यार बिल्कुल मज़े ही मज़े हैं। मतलब सेफ्टी तो मिली रही थी पहले, बस कुछ इश्यूज थे जो अब बिल्कुल इम्प्रूव हो गए हैं, टाटा ने बिल्कुल उस पर नोटिस किया और सारी चीज़ें जो है ना इम्प्रूव कर दी है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो चलिए मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, कन्फ्यूजन आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अब प्राइसिंग जो है वो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। ये है अपने पास टाटा अल्ट्रॉस का XT वेरियंट, इसकी अगर एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो ये 7,99,000 में आपको आ जाती है, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये 9,20,000 में आपको ऑन रोड आती है, और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। तो चलिए वीडियो में रखते हैं इतना ही, कैसी लगी ये कार प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कार अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, जय हिंद।